राम 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 चल सर। వాన పడాలి కదా This is our farm, cotton farm. So look at this, the way. Oh. Oh shh. Can't go from here. Have to look some other way. This is what I was talking about. Oh my god. Look at the height too. This is the first crop, so still they look like the second crop is ready. Still it will take some time, around 3 to 4 months. The first crop is ready. The buds have come out. So need, you know, some rain. Look at this. अच्छा है ना। हाँ ये है 3 acres पे डाले प्रो कॉटन 3 acres। तो देख सकते हैं आप, पूरा कॉटन है यहाँ पे, कॉटन के ही झाड़ वगैरह है। और फर्स्ट क्रॉप रेडी हो चुका है, प्लकिंग स्टार्ट हो गई है। सो अभी तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा कॉटन आया हुआ है, फुल्ली ग्रोन कॉटन। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। और बर्ड्स भी थोड़े तैयार हैं, सो ये सेकेंड क्रॉप में आएगा। ऐसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज़ द ऐसे ऐसे होता है। दिस इज़ गोइंग टू बी द बर्ड, दिस इज़ व्हाट एंड हाउ इट फॉर्म्स, हाउ द कॉटन कम्स आउट। दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द वन। सो लुक। तो ये है 3-4 acres पे कॉटन हम लोग डाले हैं, बाकी यू नो राइज एंड ऑल देख सकते हैं। जैसे हमको निकालना भी पड़ता है, जैसे साइड में जो घास वास हो जाती है, तो ये सब कुछ है। तो अच्छे हैं द सीड्स, आई विल से यू द सीड्स नेम, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं आप हमने कौन से सीड्स डाले थे। तो इस बार अच्छा क्रॉप आया है, पर बारिश हुई नहीं थी, अक्टूबर में हुई है। हम लोग ने तो ये क्रॉप
पहले ही डाल चुके थे एज वी वर वेटिंग फॉर द वी वर एक्सपेक्टिंग द रेन इन नवंबर सो बट उतना अच्छा हुआ नहीं है, नवंबर में बारिश हुई नहीं थी तो ये हुआ है अक्टूबर में जो बारिश हुई है उसकी तरफ से आया है। और एक जो अभी फार्मर बोल रहा था कि और एक बारिश होनी चाहिए और एक दो बारिश अगर यहाँ होगी तो अच्छा होगा। तो ये साइड है हमारी धान, ये 2 एकड़ पे है धान। द वेस ब्लॉक्ड, और ये आगे हम यहाँ पे, ये है धान का साइड। धान भी इस बार अच्छी हुई नहीं है, जैसे आप देख सकते हैं रूखा सूखा है और ये सब कुछ है। तो ऐसे है, ये कुछ घर है हमारा छोटा सा। सो दिस इज द पार्ट वेयर राइट हैंड साइड पे कॉटन है, देख सकते हैं सब आप, और लेफ्ट हैंड साइड पे ये क्रॉप है, चावल का क्रॉप है। सो अच्छी हो तो गई है थोड़ी जगह पर, और थोड़ी जगह पर अभी देख सकते हैं आप इसको, ये होती है, ये होता है राइस। तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये देखिए ये है एकदम सॉफ्ट सी। सो चलो चलते हैं, होपफुली आई विल मेक एन अनदर वीडियो वेरी सून। सो लेट मी शो यू समथिंग, होपफुली आई कैन गो फ्रॉम हियर। पता नहीं, देखो कहाँ कहाँ से जाना पड़ रहा है, पता नहीं नीचे वे है या नहीं है, क्या है नीचे कुछ पता नहीं होता। तो वी जस्ट नीड टू वॉक, और वहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि चावल का धान वान है तो क्रॉप ख़राब हो जाएगा। और हम लोग यहाँ से भी जब जाते हैं तो वी हैव द वेज, जैसे अब यहाँ पे सब ब्लॉक हो चुका है तो वी कांट गो फ्रॉम हियर। तो ऐसे कुछ और वी हैव टू बी केयरफुल यहाँ पे, ये इंसेक्ट्स वगैरह भी रहते हैं तो हमें केयरफुल होना चाहिए, रहना चाहिए वाइल वॉकिंग, ग्राउंड पर और ऊपर झाड़ों पर नज़र रखते हुए चलना चाहिए। एंड दिस आई वांट टू शो यू समथिंग, यहाँ पे हम चलते हैं। तो दिस इज़ आव एक झाड़ है तो हमने कई साल पहले जो लगाया था, तो ये झाड़ में सीताफल का झाड़ है, कस्टर्ड एप्पल का। तो आई विल शो यू समथिंग, हाउ दिस इज कस्टर्ड एप्पल। ये आप देख सकते हैं, टाइनी सा, छोटू सा। सो दिस इज ऑल वी हैव, फ्रेश ऑर्गेनिक जिसे कहते हैं, कोई यहाँ पे पेस्टिसाइड वगैरह यूज नहीं होता है, सो इट्स टोटली कम्प्लीटली ऑर्गेनिक। बट यहाँ पे एक है, ये देखिए, पता नहीं चींटियों का बना हुआ है या सांप का है, स्नेक ने बनाया है या एंट्स ने बनाया, वी डोंट नो अबाउट इट। सो वी नीड टू बी केयरफुल वाइल प्लकिंग ऑल दिस कस्टर्ड एप्पल। आई मीन एक है बड़ा वाला, देयर यू कैन सी, सो आई एम गोना प्लक इट ऑल।
सो टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे ब्लेस्ड, सी यू, बाय बाय.